दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा देख रहे हैं आप। प्रदेश परिक्रमा में हम आपको बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा से आपको रूबरू कराते हैं। और आज इसी कड़ी में हम पटना स्थित गांधी मैदान के नज़दीक गांधी संग्रहालय पहुँचे हैं। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका उनका रहा, और उसी भूमिका को समझने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए करेंगे। और जो गांधी संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय के जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से गांधी का जीवन रहा, उनके मूल्य क्या रहे, उनके विचार क्या रहे, और गांधी जी से संबंधित कई जो चीज़ें हैं, कई ख़ास चीज़ें हैं, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे और देखने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांधी का जीवन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वैष्णो जन तैने कहिए जे पीढ़ पर आई जाने रे, कुछ ऐसा ही संदेश है। और इस संदेश को देखिए, जो संदेश यहाँ पर अंकित है कि वैष्णो जन तो तैने कहिए जे पीढ़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। और ये संदेश महात्मा गांधी की, जो दूसरों की पीड़ा समझे, जो दूसरों का दर्द समझे, मनुष्यता वही है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो इस गांधी संग्रहालय के कैंपस परिसर में है। और एक एक तस्वीरों पर जब आप नज़र डालेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा, और इस तस्वीर से आपको हम रूबरू कराते हैं। ये तस्वीर देखिए, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की एक मुलाकात की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि महात्मा गांधी जो हैं वो बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर कब की है, क्या है, इसकी भी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर दर्ज की गई है, और ताकि कोई भी लोग यहाँ पर आए तो उस चीज़ को समझ सके, जान सके। तो दो मानवतावादियों की आपसी मुलाकात की ये तस्वीर है, और 1915 की ये तस्वीर बताई जा रही है, जिसके बारे में पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है कि 1915 6 मार्च पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। गांधी जी 6 मार्च से 10 मार्च तक शांति निकेतन में रहे। तो शांति निकेतन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और कह सकते हैं कि गांधी जी की जो मुलाकात है वो कई प्रकरणों में रविंद्रनाथ टैगोर जी से होता रहा। और रविंद्रनाथ ने गांधी जी का जो स्वागत है वो इन शब्दों से किया था कि भिखारी की वेशभूषा में इस महान आत्मा को हम अपनों की तरह स्वीकार करते हैं। तो गांधी जी ने जवाब भी दिया था, गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। तो कई खास मौके आए, और इन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनका अहम योगदान जो है वो रहा पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में, और कहीं ना कहीं उसी का यह कारण बना कि हम आज आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी के लड़ाई के पीछे की कहानी क्या है, और किस तरीके से ये पूरी तस्वीर बयां कर रही है, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ जो यहाँ पर देखने समझने के लिए लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। गांधी संग्रहालय घूम रही है, क्या अब तक देखने समझने को मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। उनके बारे में जानना, वो मतलब उनके क्लोथ क्या थे, क्या पहनते थे, किस टाइप का वो खाना वगैरह जो भी है खाते थे, वह सब पता चल रहा है। और उनके फैमिली के बारे में हम जान सकते हैं, अंदर जाके हम देख सकते हैं। चलिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, गांधी जी के जाने, वो हमारे तो पिता तो हैं ही हैं, और उनके राष्ट्रपिता, और अंदर में मतलब गई हम लोग तो बहुत अच्छा लगा। उनके क्या मतलब पहनते थे, और वो मतलब धर्म को मानते थे, एक ही धर्म, सब धर्म एक ही होती है, पर लोग बांटे हुए हैं कि इतने धर्म हैं, इतने धर्म, पर गांधी जी का कहना था कि धर्म एक होती है,
और लोग का कहना होता है कि हमारा ये धर्म का पूजा कर रहे हैं, वो धर्म का पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जब कुछ भी हो ऐसे होते हैं। पर गांधी जी का कहना था नहीं, धर्म एक होता है और एक समान होता है, और उनका खाना, उनका जो खाते थे वो क्या बिल्कुल। तो देश में एकता का संदेश महात्मा गांधी का था कि सभी लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, कोई भी धर्म हो, सभी का सम्मान एक साथ। तो गांधी की स्मृति, गांधी के विचार से हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस गांधी संग्रहालय के जरिए। और गांधी संग्रहालय में लोगों का भी आने जाने का जो सिलसिला है वो चलता है, और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि गांधी को जानना इनके लिए कितना ज़रूरी है। और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गुजरात से। गुजरात से आप लोग आए हैं। गांधी जी का जन्म उस राज्य में, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा जुड़ाव रहा। तो आप बिहार में मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपका बिहार में स्वागत कि आप गुजरात से बिहार में आए हैं, और गांधी जी को बिहार में देखना कैसा अनुभूति और क्या कुछ यहाँ पर खास आपको देखने को मिला? बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने यहाँ पे आए पूछा कि क्या देखने लायक है, तो टूरिस्ट गाइड ने हमको बताया गांधी जी का ये है, तो हमने बोला अवश्य हम देखते हैं। फिर हमने यहाँ आके देखा गांधी जी का इतना बहुत अच्छा सा संग्रहालय बनाया हुआ है, और बहुत अच्छा लगा वो देख के हमको कि हर स्टेट के अंदर गांधी जी का मूल्य है, और उसको लोगों को दिखा करने के लिए हर पार्टी, हर नेता, हर सब लोग, हर ब्यूरोक्रेट्स पूरा इतना इंतजाम साफ सुथरा लग रहा है, इतना सफाई सब कुछ, वो देख के हमको बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है कि देश के अंदर गांधी जी का अभी भी, गांधी जी का अहिंसा लड़त और गांधी जी के बारे की सोच आज भी सब लोग रख रहे हैं, तो इसे सुन के हमको बहुत खुशी हो रही है। तो बहुत खुशी हो रही है। आप गुजरात से हैं? गुजरात से हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और गांधी जी को देखना समझना, कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देखा मैंने सब जगह गांधी जी के वो पहले की यादें, वो कैसे वो करते थे, वो सब और सब नीचे लिखा है, वो भी बहुत अच्छा था कि यूरोपियन कंट्री की उनके लिए बहुत अच्छा है उनका कल्चर, पर हम लोग जैसे कि वो पहले भी कह चुके कि हम लोगों ने उनकी नकल की तो हमारा नाश कर रहे हैं हम लोग, मतलब पहले से उनका विज़न इतना वो था कि गांधी जी अभी भी हम लोग इनसे मन से मानते हैं। गांधी जी का विज़न जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है, या फिर जो चीज़ें आपको यहाँ देखने समझने को मिली है, क्या लगता है कि उसे आज हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, उसका अस्तित्व है, रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल है। गांधी जी का जो भी उसका जो नित्य नियम थे, वो हमारे अहमदाबाद के अंदर भी गांधी आश्रम भी बहुत बड़ा बना हुआ है, वहाँ भी पूरे ये देश का, पूरे विदेश से भी जो भी मेहमान आते हैं वो अवश्य वहाँ मुलाकात लेते हैं। लेकिन ऐसे हर स्टेट के अंदर गांधी जी का बनना हो, ये बहुत बड़ी बात अच्छी है, और उसका जो विचार है, उसका जो अहिंसा का जो मैसेज है, सादगी था उसका रहने का, और सब जो मैसेज अहिंसा, सब धर्म संप्रदाय सब साथ मिल के चले, वो बहुत आज के जमाने युवा वर्ग के लिए ये संदेश है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए और शांति से इस देश को, अहिंसा जो आजकल चल रहा है, कोई भी पक्ष पार्टी ये सब नहीं होना चाहिए, तो बस सब लोग आराम से अहिंसा से रहे, प्रेम भाव से रहे, वही हमारा संदेश है। तो और क्या कुछ देखने समझने को यहाँ पर मिला, और कितना खास बिहार का यह जो गांधी संग्रहालय है वो आपको लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हर तरफ का गांधी जी का जो भी कुछ पहले का मतलब था, का उनकी कार्यशैली थी, उन्होंने जो पार्ट लिए मतलब हमारी आज़ादी के पीछे जो भी, वो सब बहुत अच्छे से वो किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें। चलिए, तो आप बिहार को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गांधी संग्रहालय यहाँ पर है, गांधी जी को देखा, बिहार में कैसा आकर लगा? बिहार हम फर्स्ट टाइम आए, बिल्कुल सच बताए हम कि अच्छा लगे, लोग यहाँ के लोग इंटेलिजेंट है, होशियार है। जब हम कल एयरपोर्ट पे लैंड हुए तब थोड़ा सा दुख हुआ कि बिहार के ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन इतने आगे है, पढ़ाई लिखे होशियार आदमी, लेकिन बिहार के अंदर जो एयरपोर्ट जो है वो अभी नया बन रहा है, लेकिन दूसरे सब स्टेट में कितना सा डेवलप हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ के सब एविएशन मंत्री रह चुके हैं, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की और बताया किस तरीके से गांधी को जानना और उनके जीवन को अपने जीवन में समाहित करना कितना ज़रूरी हो जाता है, वो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल कुछ और तस्वीरों से रूबरू कराते हैं, और ये तस्वीर
और इस तस्वीर को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अपने किताबों में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, गांधी जी के तीन बंदर, और तीन बंदर को लेकर के कई जो संदेश है वो छुपे होते हैं। और देखिए इस तीनों बंदर की तस्वीर, जहाँ पर बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। तो ये तीन बंदर जो है, वो एक बंदर जो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए नजर आ रहा है, वो संदेश दे रहा है कि बुरा मत कहो, और साथ ही दूसरा जो बंदर है वो ये कह रहा है कि बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। बड़ा ही संदेश छुपा हुआ है इस गांधी जी के तीन बंदर में, जो इस संदेश को देने की कोशिश हो रही है कि बुरा मत कहो, ईश्वर की दी हुई अनमोल जुबान से हमें हमेशा सच बोलने और अच्छी बातें कहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के प्रति अपशब्द, शिकवा शिकायत, चुगलखोरी, अफवाह फैलाने और अन्य किसी प्रकार की बुरी बातों का प्रचारित करने से अपने आप को बचाना चाहिए। जो दूसरी तस्वीर है कि बुरा मत देखो, ईश्वर ने हमें अनमोल आँखें इसलिए नहीं दिए कि हम अपनी आंखों से किसी को दुष्ट या हेय दृष्टि से देखें, बल्कि सभी को हम सम्मान दृष्टि से देखें, सबका सम्मान करें और आंखों से सदा हम अच्छाई को देखें, और इसी मकसद से इसका उपयोग जो है वो हमें करना चाहिए। और साथ ही जो तीसरा संदेश है कि बुरा मत सुनो, यानी कि ईश्वर की दी हुई वरदान रूपी कानों से हमें सच और अच्छी बातें सुनने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के प्रति शिकवा शिकायत, पीठ पीछे बुराई, चुगलखोरी, झूठे अफवाह और अन्य किसी प्रकार के षड्यंत्रों को सुनने से अपने कानों को बचाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और यही संदेश जो है वो महात्मा गांधी का था, और इस संदेश को पिरोने की कोशिश इस गांधी और संग्रहालय में की गई है। और गांधी संग्रहालय के बारे में अगर बात करें तो गांधी संग्रहालय जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है, और गांधी संग्रहालय जो देश में 11 गांधी संग्रहालय उसमें से पटना का एक गांधी संग्रहालय जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और कहीं ना कहीं इसका मकसद यही है कि कैसे जो लोग हैं वो गांधी के जीवन दर्शन को समझ सके, उनके मूल्यों को समझ सके, उनके विचारों को समझ सके। बहरहाल गांधी के कुछ जीवन पर भी हम नज़र डालेंगे कि किस तरीके से उनकी कई जो रूप है वो नज़र आई और कैसे उन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, उन तमाम तस्वीरों से हम आपको चलिए रूबरू कराते हैं। 1967 में गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई, मकसद यही था गांधी के जीवन को समझना, गांधी के जीवन को समझाना, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना। चलिए एक तस्वीर से एक बार फिर से आपको रूबरू कराते हैं, और ये तस्वीर है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं लोगों ने भी मांग की कि गांधी को समझने की ज़रूरत है, तो एक संग्रहालय बनना चाहिए, और देश में 11 संग्रहालय, जिसमें एक पटना स्थित यह गांधी संग्रहालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कस्तूरबा गांधी की जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है। और कस्तूरबा गांधी से भी जो विवाह की अगर बात करें तो 1883 में कस्तूरबा गांधी से जो विवाह है वो मोहनदास करमचंद गांधी का हुआ, करमचंद गांधी उनके पिता। और इसी सार को और इसी चीज़ को दर्शाने की जो कोशिश है यहाँ पर की गई है, और बताया गया कि किस तरीके से उनका वैवाहिक जीवन भी रहा और कैसे वैवाहिक जीवन से होते हुए उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पिरोया और झोंका, और कैसे देश के लिए अपनी पूरी जो जीवन है वो महात्मा गांधी ने व्यतीत कर दी। यानी कि महात्मा गांधी ही महात्मा गांधी हो सकते। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, और कुछ यही संदेश पिरोए यह स्मारक नजर आ रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्मों के जो लोग हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं। और महात्मा गांधी का भी यही कथन था कि यह देश हिंदुओं का जितना है उतना ही पारसियों का, यहूदियों का, हिंदुस्तानी ईसाइयों, मुसलमानों और दूसरे गैर हिंदू जमातों का है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहकर अपना जो एक देश है उसकी जो एक विचार है वो अपने आप में समेटे हुए हैं, और यही संदेश देता हुआ स्मारक नज़र आ रहा है। और महात्मा गांधी भी लगातार यही चाह रहे थे कि हम किसी भी तरीके से और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ हम अपनी जो लड़ाई है वो लड़ें, हम हिंदू मुसलमान ना करें, हम किसी भी जाति वर्ग धर्म से अपने आप को विभेदित ना करें, बल्कि हम लोग सब कोई हर एक धर्म को सम्मान दे, उनको इज्जत दे और सभी एक साथ मिलकर रहें और इस देश और इस राष्ट्र का निर्माण करें। रूबरू कराते हैं आपके गांधी के कुछ और स्मृतियों से, पांडुलिपियों से और उनके जीवन संदेश से।
तो आज के इस कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में हम काफ़ी अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां पर गांधी की जो संजोई यादें हैं उसको देखने समझने का मौका मिलेगा और उस तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कुछ संदेश वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इस संदेश के साथ साथ उन तस्वीरों से भी आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर गंगा जमुनी तहसीब की बात की गई है, सात सामाजिक पाप की बात की गई है, कि सिद्धांत विहीन राजनीति, परिश्रम विहीन धनोपार्जन, विवेक विहीन सुख, चरित्र विहीन शिक्षण, सदाचार विहीन व्यापार, संवेदना विहीन विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना, ये सामाजिक पाप है। सात सामाजिक पाप, यंग इंडिया 1924 का जो यह संदेश है वो यहाँ पर दी गई है। और देखिए एक एक चीज़ की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है वो नजर आ रहा है और उस तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। साथ ही कई जो संदेश है उसको देने की कोशिश की गई है कि दुनिया को युद्ध नहीं चाहिए, जिस तरीके से हालात तो फिलहाल वैश्विक स्थिति पर बने हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप समझ सकते हैं किस तरीके से गांधी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने संदेश दिया था कि दुनिया को जो है वो युद्ध नहीं चाहिए और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और इन तमाम संदेशों के बीच चलिए हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहाँ पर गांधी की तमाम जो यादें हैं वो संजोई हुई है और गांधी की कई जो चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उन तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पर कई जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर गांधी के कई जो संदेश हैं वो देने की कोशिश यहाँ पर इस गांधी संग्रहालय में की गई है। और गांधी के साथ साथ और भी कई जो उनके साथ शख्सियत थे उनके बारे में भी जानने समझने का जो मौका है वो मिलेगा। तो ये पूरा जो परिसर है अंदर का उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उस संदेश को समझने की जो कोशिश है वो करेंगे। और साथ ही हमारे साथ कुछ खास लोग भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इस गांधी संग्रहालय की आवश्यकता क्या है और किस तरीके से गांधी के यहाँ जो संदेश है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और गांधी की तमाम जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही है। और इसी के साथ आसिफ वशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है इस गांधी संग्रहालय को लेकर के इनकी। बहुत बहुत स्वागत कशिश ने उसमें। और जिस तरीके से यह गांधी संग्रहालय लोग आ रहे हैं गांधी को समझने, उनके जीवन को देखने समझने का तमाम चीज़ें उन्हें मौका मिल रहा है, क्या लगता है कि गांधी का विचार या फिर गांधी संग्रहालय की आवश्यकता आज के तारीख में वो कितनी ज़रूरी है और कितना कह सकते हैं कि फ्रूटफुल ये लोगों के लिए भी हो रहा है? देखिए, जब गांधी जी का एसोसिनेशन 1948 में हुआ तो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा, जिसको कहते हैं, अकाल पड़ गया। लोग एकदम स्तंभ रह गए। उस पीरियड के जो भी नेता थे वो लोग एकदम अचंभे रह गए कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना बड़ी ट्रेजडी इंडिया में हो गई। तब उस वक्त लोगों ने डिसाइड किया कि गांधी जी के आने वाले जनरेशन को मैसेज को समझने के लिए पूरे हिंदुस्तान में म्यूजियम बनाने की बात हुई। उस वक्त राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग थे, एक्टिव थे। तो बिहार में भी ये हुआ कि पटना में गांधी म्यूजियम, पहले ये मोतिहारी में, क्योंकि चंपारण बापू की कर्मभूमि रही, वहाँ पहले लोगों ने कोशिश की लेकिन टेक्निकल इससे वो डेवलप नहीं हो सका। तो 67 में ये पटना का गांधी संग्रहालय बना और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें हम लोगों ने कोशिश की आने वाले जनरेशन को गांधी जी के विचार, जो बिल्कुल प्रासंगिक है, आज की डेट में भी रिलीवेंस है। आप किसी भी इशू पे बात कर लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कम्युनल इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे समाज में समानता की बात हो, सिवाय गांधी विचार के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मार्ग मिलता है, लोगों को जी और जीने दो का संदेश देता है। तो अगर आप मेरे पैनल को देखेंगे तो इस पूरे परिसर में गांधी जी की पूरी लाइफ को हम लोगों ने 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक के पीरियड को हम लोगों ने आने वाली जनरेशन के सामने। बिल्कुल। तो और यहाँ पर क्या कुछ खास है जो आपको लगता है कि नहीं, ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, गांधी जो यादें हैं वो यहाँ पर संजोई गई है, क्या खास इस गांधी संग्रहालय में? देखिए, गांधी जी की हमेशा कोशिश रही कि देश में कॉमनल इंटीग्रेशन को उन्होंने हमेशा फोकस किया। जात पात की लड़ाई उन्होंने लड़ी, आने वाले जनरेशन को उन्होंने बताया कि जी और जीने दे का संदेश होना चाहिए, समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए जी और मरने की भावना होनी चाहिए। उस संदेश को हम लोगों ने अभी तक, जहां तक हमारी कोशिश हो रही है यंग जनरेशन को, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए इस म्यूज़ियम के थ्रू, जो मेरे पास बच्चे आते हैं, जो फैमिली आती है, जो देखते हैं गांधी विचार को, तो गांधी विचार हम आप ही से आगे बढ़ेगा।
तो हमने कोशिश की उनके फोटोग्राफ्स को, उनके विचार को लोगों के सामने रखा जाए और इस म्यूजियम के थ्रू लोगों तक वो विचार पहुंचे। बिल्कुल। तो और यहाँ पर क्या कुछ खास से कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? वहाँ पर मसलंद लगा हुआ है, ये गांधी जी की जो कुटी हुआ करती थी उसका एक रिप्लिका है कि गांधी जी जो वस्तुओं को यूज़ करते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, देखा है। लेकिन एक चीज़ बता दें, यहाँ पर ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिप्लिका हैं लोगों को देखने के लिए कि ये सारी चीज़ इस तरह से वो यूज़ करते थे। नेशनल म्यूजियम और साबरमती में उनके सारे कुछ अवशेष हैं जो ओरिजिनल हैं, हमारे पास रिप्लिका और फोटो के माध्यम से और उनके जो मैसेज हैं उनके माध्यम से हम लोगों को उनके विचार पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी का बिहार से गहरा जुड़ाव था और चंपारण सत्याग्रह, भला उसे कौन भूल सकता है? और उस चंपारण सत्याग्रह की कह सकते हैं कि कुछ स्मृति जो है, कुछ संदेश जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये जो पैनल लगाया गया है इसमें चंपारण सत्याग्रह की जो ब्रीफिंग है वो की गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए एक ये भी संदेश दिया गया है कि जिससे हम सही और शुभ माने वही करने में हमारा सुख है, हमारी शांति है, नहीं कि जो कि दूसरे कहें या करें उससे करने में। कई संदेश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। एक संदेश ये भी है कि सत्य के दर्शन बगैर अहिंसा के हो ही नहीं सकते, इसलिए अहिंसा परमो धर्म। बहरहाल एक बार फिर से आसिफ जी से जुड़ेंगे और इनसे ही समझेंगे कि ये पैनल क्या संदेश दे रहा है और चंपारण सत्याग्रह की बात यह कर रहा है। देखिए जैसा हम सब जानते हैं कि गांधी 1915 में हिंदुस्तान आते हैं साउथ अफ्रीका से, और पहला उनका जो साउथ अफ्रीका का एक्सपेरिमेंट उन्होंने बिहार में किया और 17 में बिहार आते हैं, और चंपारण सत्याग्रह पहला उनका सहयोग जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। और इस पैनल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। बेसिकली वो नीलों के खिलाफ राजकुमार शुक्ल, एक जिसको कहते हैं साधारण किसान, वो गांधी जी के पीछे पड़े रहते हैं गांधी जी के व्यक्तित्व को उनको जानते हुए, और उनको लेके आते हैं बिहार। और उसके बाद जब वो चंपारण जाते हैं गांधी जी स्थिति देखते हैं कि नीलों का वहाँ पे क्या अत्याचार हो रहा है, उसकी जो कमेटी बनी और फिर जितने लोग बिहार में सब टॉप के बैरिस्टर थे और सब गांधी जी के साथ रह करके चंपारण सत्याग्रह को, तो ये पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो स्टेटमेंट आया है कोर्ट का वो है गांधी जी के सहयोगियों के बारे में और गांधी जी ने जो पूरे चंपारण में जो कार्य किया इस बोर्ड पे वो अंकित है। चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आसिफ जी, कुछ जानकारी दे रहे थे। और चलिए एक और पैनल हमारा जो लगा हुआ है यहाँ पर, उसमें महात्मा गांधी का जो परिवार है उसके बारे में कुछ जो जानकारी है वो साझा की गई है। और उस तस्वीर से हम आपको रूबरू कराएंगे कि महात्मा गांधी का जो परिवार था उसकी संरचना किस तरीके से थी। माता जी श्रीमती पुतलाबाई और गांधी जी के चार बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, पिता श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी पत्नी। तो ये गांधी जी की कुछ वंशावली की जो तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको सिर्फ गांधी जी नहीं बल्कि गांधी जी के पूरे पारिवारिक संरचना को भी देखने समझने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से गांधी के संदेश के साथ साथ, गांधी के जीवन दर्शन के साथ साथ गांधी का जो परिवार था वो किस तरीके का था। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो गांधी जी से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं और कई जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और छोटा एक बच्चा है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कैसा लग रहा है गांधी संग्रहालय आकर गांधी जी को अपने जीवन में उतारना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जानकर पढ़ाई करते हो। यस। तो गांधी को सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना भी एक बड़ा मकसद किसी भी इंसान के लिए होना चाहिए। एक युवक हमारे साथ मौजूद है और यंग इंडिया और युवाओं के लिए हमेशा बात गांधी जी ने की है। आप युवा हैं, गांधी जी को कैसे देख रहे हैं? मैं महात्मा गांधी जी को मैं अपने दृष्टि से देखता हूँ कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया हम लोग को, और कहीं ना कहीं ये बात पूरे विश्व ने माना है। आज यही दिन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, और यही संदेश महात्मा गांधी जी भी ने दिए थे कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलिए, हमें बुराइयों को पीछे छोड़कर चलना होगा, हमें भविष्य की ओर देखना होगा। और आज हम इस संग्रहालय में हमने देखा और कि किस तरह से उनके जीवन चरित्र को दिखाया गया है। हमारे बिहार में 1934 में जब महाभूकंप आया था तो उन्होंने बिहार का दौरा करी थी, चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह का दौरा किया, और बहुत ही अच्छा लगा हमें इस संग्रहालय में घूमकर। और हम साथ साथ हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह से गांधी संग्रहालय का डेवलप किया। और साथ साथ हम कशिश न्यूज का चैनल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और आप लोग को भी, क्योंकि आपने इस चीज़ को पर्दे पर दिखाया, आपने इस चीज़ को टेलीविजन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बिहार में अभी भी ऐसे हैं जो इस संग्रहालय के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम आपको भी धन्यवाद करेंगे। और इसे
कशिश चैनल को भी जिन्होंने अपने तरीके से इसको दिखाया, और आपको हम आगे भी इस तरह से दिखाते रहिए बिहार के धरोहर को। धन्यवाद। कई तस्वीरें हैं, तस्वीरें कह सकते हैं कि अथाह है, और गांधी के जीवन को भी समझना जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि अपने परिकल्पनाओं से ऊपर है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक संदेश को समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम गांधी एक गहरा समुंदर है जिनको हम समझने के लिए अपना पूरा जीवन भी दे दे तो वो कम पड़ जाएगा। चलिए कुछ और तस्वीर और कुछ और गांधी की स्मृतियों से आपको रूबरू कराते हैं। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जी हाँ, यह मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। और इस हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा का भी मकसद उद्देश्य यही था कि हम गांधी के जीवन को समझने की और बताने की कोशिश करें, और उनके जीवन में ही संदेश छुपा हुआ है और यही महात्मा गांधी भी कहते थे। बहरहाल आज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे जहां पर किसी और ऐतिहासिक धरोहर की बात होगी, तो आप कशिश में उसके साथ बने रहिए। और आज के प्रदेश परिक्रमा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।